फाइटर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आए हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब बिल्कुल वर्ड्स ही नहीं है। सिद्धार्थ आनंद की हैट्रिक हो जाएगी आफ्टर वॉर इन 2019 एंड पठान इन 2023। मतलब कितना अमेजिंग है आजकल, जहाँ इतनी हज़ारों मूवीज आती हैं और साल में दो चार मूवीज ही हिट होती हैं, और ये मुझे लगता है इस साल की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर व्हाट वाज द थिंग कि एक ऐसी चीज़ कि हाँ यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आना है और ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करना है। ऋतिक रोशन जी बहुत ही अच्छे इंसान भी है। मैं उनसे 2010 में व्हेन आई वाज गोइंग टू कनाडा आई मेट, देयर वाज अ स्टॉपओवर एट लंदन। इतने हम्बल ह्यूमन बीइंग हैं। ही वाज गोइंग टू स्पेन फॉर प्रमोटिंग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अलॉन्ग विद कैटरीना कैफ। दोनों ही बहुत ही हम्बल हैं और उनकी सक्सेस का यही राज है जो सुपरस्टारडम दोनों ने पाया है, बिकॉज दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, सो हम्बल, हर किसी को इतने अच्छे से बात करते हैं। और ये मूवी में भी ही इज़ अ ग्रीक गॉड इवन एट द एज ऑफ 50, द वे ही इज मेंटेन्ड हिमसेल्फ, नो वर्ड्स। एज एन एयरफोर्स ऑफिसर ही लुक्स स्टनिंग एंड दीपिका पाडुकोन तो है ही ब्यूटीफुल, मतलब सो गॉर्जियस एज एन एयरफोर्स ऑफिसर। रोल भी उनका बहुत अच्छा है। अनिल कपूर ही इज़ अ वर्सेटाइल, उनके बारे में क्या कहूँगा कि एक बार फिर से छा गए। और जितने भी को एक्टर्स हैं उनकी, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, जैसे आशुतोष राणा हो या करण सिंह ग्रोवर, वी सॉ हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड देन देयर इज अक्षय ओबरॉय, सच एन अंडररेटेड एक्टर, इतना फाइन रोल है उनका। और गीता शर्मा की एक्ट्रेस है, शी इज़ ऑल्सो सो अंडररेटेड, इतनी फाइन एक्ट्रेस है वो भी। और मूवी का डायरेक्शन तो रिमार्केबल है ही, सिनेमेटोग्राफी नोटवर्दी है बाय सचिन पॉलोस, एडिटिंग इज शार्प बाय आरिफ शेख, एंड बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है अंकित बल्लारा और संचित बल्लारा का। म्यूजिक भी अच्छा है, बट आई लाइक ओनली वन सॉन्ग मिट्टी। आई थिंक और देशभक्ति के गाने होने चाहिए थे। विशाल शेखर का म्यूजिक भी अच्छा है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। 26 जनवरी का मौका है, इससे पहले हमने गदर देखी थी और गूसबम्स आ गए थे। इस बार भी आंखों में आंसू और गूसबम्स आ गए, और बहुत ही बढ़िया मूवी है। इस फिल्म का एक बहुत अच्छा कंपैरिजन हो रहा है बॉर्डर के साथ। इसको हम बहुत अच्छी अचीवमेंट मान सकते हैं कि हम 90s के एक दौर का फिल्म का कंपैरिजन 20s में कर रहे हैं और वही फीलिंग वही इमोशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए, आई वाज इन कॉलेज व्हेन बॉर्डर मूवी वाज रिलीज्ड एंड आई रिमेंबर कि क्या उसका क्रेज़ था। मतलब हम लोग कॉलेज से गए थे वो मूवी देखने के लिए, और हम लोग एक दो तीन बार देखी थी। सुनील शेट्टी हो या सनी देओल, तो हर देशभक्ति की मूवी में छा जाते हैं, इतने पावरफुल। और जितने भी वो मूवी के एक्टर्स थे सभी को बहुत, अक्षय खन्ना थे। मूवी को कंपेयर उसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उसमें आर्मी दिखाई थी, इसमें एयरफोर्स दिखाई गए, एंड इट इज़ लूजली बेस्ड ऑन पुलवामा अटैक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक। सो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। इट कुड हैव फॉलन अपार्ट लाइक तेजस एंड रनवे 34 वेयर पीपल स्लैम्ड द मूवीज, बट यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है, विजन बहुत अच्छा है डायरेक्टर का, एंड इट इज़ कंपेयर्ड बॉर्डर जैसी लैंडमार्क मूवी के साथ कंपेरिजन है तो अच्छा ही है। सिर्फ ये है कि बॉर्डर में बहुत सीरीज ऑफ पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, वो ये मूवी में सिर्फ एक मिसिंग है, बट येस इट कैन बी कंपेयर्ड। कह सकते हैं कि बहुत अच्छा टाइम और अच्छी डेट चुनी गई है रिलीज की। यू सी, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड ये मूवी ये प्रूव करती है कि बिल्कुल राइट टाइम। लॉन्ग वीकेंड है और 26 जनवरी का मौका है, अपने मुल्क की शान को जाके बड़े पते पर देखिए। एक डायलॉग है कि जो हमारा तिरंगा है वो इतना सुंदर नहीं लगता जब वो कफन जब तक नहीं बनता। तो वही ऐसे बहुत सारे पावरफुल डायरेक्टर हैं, डायलॉग्स हैं मूवी में। थिएटर के अंदर का क्या माहौल था जब लोग फिल्म को देख रहे थे? डायलॉग्स आ रहे थे, जय हिंद वंदे मातरम ऐसे बोल रहे थे, और वही है कि जब लोग कनेक्ट कर पाते हैं मूवी से। देयर आर मेनी मूवीज मेड ऑन दिस काइंड ऑफ यू नो सब्जेक्ट्स टॉपिक्स, बट दिल को छूती नहीं है वो मूवीज। एंड आई हैव अटेंडेड फिल्म फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम लोग ऑडियंस की रिस्पॉन्स से ही पता चल जाता है। व्हेन पीपल, दैट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्स यू नो, तो कि मूवी किस जॉनर की है, लोगों को पसंद आई कि नहीं, किस तरह की छाप छोड़ी है। ये मूवी ने एक अमिट छाप छोड़ दी है, एन इनडेलिबल मार्क हमारे दिल में, बिकॉज इट इज़ फ्लॉलेस इम्पेकेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट। थैंक यू सो मच। हर इंडियन के जज्बातों की कहानी है, एंड एट द लास्ट व्हाट यू वांट टू से टू द ऑडियंस कि ऐसे सिनेमा को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, तरन आदर्श जी का भी मैंने रिव्यू देखा, उन्होंने बहुत तारीफ की थी, बट जब मैंने खुद मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आई गो विद 4.5 स्टार्स। ओनली थिंग इज आई फेल्ट 3D इफेक्ट्स इतने ये नहीं थे और म्यूजिक और अच्छा हो सकता था, बट अदर एस्पेक्ट्स हैव ओवररिडन दीज टू थिंग्स, सो आई स्टिल गो बाय 4.5 स्टार्स। एंड ऋतिक रोशन ही डज सिलेक्टिव मूवीज, सो हैट्स ऑफ टू हिम। दूसरे आमिर खान बन गए वो।